व्यापार करें या सरकार को टैक्सों के चक्कर में ही लगे रहे, तो हमारे को तो ये चाहिए कि हमारे फ्री आउट कर दिया जाए और वन टैक्स वन रीति कर दे। और केवल इनको वोट की राजनीति करनी है, किसी व्यापारी की चाहे किसी छात्रों की चाहे किसी शिक्षा की कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, केवल इन लोग को पैसा बनाना है। हमारे को दबाया जा रहा है गरीबों आदमी को पूरी तरह से, ताकि हम कमाई है ही नहीं, ना ऊपर उठ सकते हैं नीचे बिल्कुल गिर सकते हैं। मत समझ रहे, वही रोटी खा के केवल नमक रोटी खा के जी सकते हैं, न तो मर जाए। खैर कोई नौकरी होती जरूर जरूर करता मैं। अब यहाँ पर ये मेरी नजरों में मेरा काम ना बहुत बेइज्जती वाला है, जगह पे टेम्पर लगाना, यहाँ पे टेम्पर लगाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जैसे इन सर ने बोला कि इनसे लूट, मतलब इनसे लिया जा रहा है टैक्स लगा लगा के, और ये ना पैसा कहाँ जा रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, बस ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बंदों को कमाने का जरिया ही नहीं दे रहे हैं। चुनाव में व्यापारियों के पास हर दल के लोग आ जाते हैं चंदा मांगने के लिए, लेकिन चुनाव के बाद उनकी तकलीफें उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता है और ना ही किसी का ध्यान जाता है। जी हाँ, चुनावों के वक्त हर दल के जो लोग हैं, हर पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी व्यापारियों को लुभाने में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपने पाले में लेकर आने की। हम इस वक्त नेहरू प्लेस की मार्केट में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के कुछ लोग भी मौजूद हैं, जहाँ पर हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, उनकी क्या समस्याएं हैं और इन 5 सालों में आखिर उन पर कितना ध्यान दिया गया है। सबसे पहले आपने सुनी लिया कि मैंने अभी क्या बोला, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू प्लेस का प्रेसिडेंट महिंदर अग्रवाल मेरा नाम है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां पर 5 साल में जब इलेक्शन आते हैं तभी हमारे को यहां पर कोई नज़र आता है, अदरवाइज नेहरू प्लेस को तो कोई किसी चीज़ की गिनती में ही नहीं गिनता है। एशिया की सबसे बड़ी आईटी मार्केट है, किसी को अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी चाहिए वो सिर्फ नेहरू प्लेस में ही मिलता है। उसके बावजूद यहाँ हमारे टैक्स के स्लैब देख लीजिए, किसी प्रोडक्ट पर 28% है, किसी पर 18% है। आप बताइए इतना सारा अगर जो टैक्स अगर जो हम देंगे तो उसके बाद हम अपने बच्चों की जो स्टडी के लिए जो हमारे 15 से 20 हज़ार रुपये में जो कंप्यूटर मिलता है वो इतनी मेहनत मजदूरी करके हम अपने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर का इंतजाम करते हैं, अब उसमें सरकार हमसे जो है 18% से 28% तक का टैक्स ले जाती है। अब इसमें जितनी मार्केट वाले हैं और सब परेशान रहते हैं, सब जो भी कस्टमर आता है कहता है टैक्स नहीं लेना, बाकी चलो मैं आपको पैसे जितने का लैपटॉप या डेस्कटॉप हो मैं दे सकता हूँ। अब समस्या ये आती है कि इतना सारा टैक्स कोई भी सुनता है भाई, वन थर्ड पार्टनर हो गया सरकार तो वो कुछ भी नहीं करती है, जबकि हमारे यहाँ अपनी शॉप है वो किराए की होती है हमारे पास, उसका खर्चा कहाँ से निकालें? अब 10-12 पर्सनों का हमारा स्टाफ है, उसकी सैलरी कहाँ से देंगे? क्योंकि उन 10-12 पर्सन के साथ में एक परिवार के साथ 4 पर्सन जुड़ के तब एक परिवार बनता है, तो यानी कि हम 10 की जगह 40 परिवारों का हम 40% को जो है हम रोजगार देते हैं एक उसमें शॉपकीपर से। अब हाउस टैक्स का अलग टैक्स जाता है, ट्रेड लाइसेंस अलग मांगते हैं, यानी कहना मतलब ये इतने सारे डिपार्टमेंट आते हैं जो कि एक व्यापारी तो हिसाब ही लगाना भूल जाता है। अब उसके बावजूद भी इतने टैक्स देने के बाद कोई भी आ जाता है हमारी मार्केट में, और 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं सिर्फ हमारे को आश्वासन मिलता है कि भाई मार्केट के अंदर आपको जैसे हम चुन के आएंगे और आपका सबसे पहले आपकी मार्केट का जो है हम उधार करेंगे और टैक्सों में राहत दी जाएगी। लेकिन मैं ऐसे पर्सनों को भी जानता हूं जो हमारी मार्केट से मुख्यमंत्री भी बने हैं, जिनको हमने यहां से लॉन्च भी किया और हमने पूरा सपोर्ट भी किया और उन्होंने यहां पर खड़ा होकर हमको आश्वासन दिया था। नाम बता दीजिए। अब देखिए नाम तो आपको पता ही है, जो भी रहे होंगे जिसको नेहरू प्लेस ने जो लॉन्च करके यहाँ से भेजा था इस उम्मीद के ऊपर भेजा था कि वो हमारे सब व्यापारियों की बातें सुनेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर। हाँ, एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि मार्केट के अंदर जो उनके दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे आते थे उनको आना बंद किया, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आए उन्होंने 2018 और 19 के नोटिस जो है हमारी मार्केट के अंदर भेज दिए। अब आप बताइए, जबकि ये कहा गया था GST जब लागू हुआ था
उस जीएसटी के अंदर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं रखना होगा या जैसे भी आप भर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज किसी को भी नहीं थी। अब जैसे तैसे करके हम लोगों ने अच्छे तरीके से रिटर्नें जमा कराई, उसके बावजूद अब 2023 और 24 के अंदर उन्होंने हम सबको पूरी मार्केट के अंदर नोटिस सर्कुलेट कर दिए कि आप आइए, अपनी बुक्स लाइए, ये लाइए, वो लाइए। अब आप बताइए हम इतने साल पुराना रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे केंद्र सरकार कर रही है हमारे साथ, तो व्यापारियों के लिए तो दोनों ही एक बराबर हैं। हमारे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम तो एक व्यापारी हैं, और व्यापारी होने के नाते मैं तो सबसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जीएसटी का ऑफिस हमारे नेहरू प्लेस में ही है। अब वो यहाँ से जब मर्जी आ जाते हैं मार्केट के अंदर, और वो किसी के यहाँ पर भी ओपन जाके कहते लाओ जी चेक कराओ। अब यहाँ सर्वे के नाम पे कोई आ जाता है, अब कभी ये आगे हमारे हाउस टैक्स वाले आ रहे हैं मार्केट के अंदर कि भाई आप अपना हाउस टैक्स, जबकि हाउस टैक्स सब जमा करा रहे हैं, सब कुछ है। अब कोई कहता है फुट के हिसाब से जमा कराइए, कोई कहता है मीटर के हिसाब से जमा कराइए। तो आप बताइए, हम तो व्यापार करें या सरकार को टैक्सों के चक्कर में ही लगे रहे, तो हमारे को तो ये चाहिए कि हमारा फ्री आउट कर दिया जाए और वन टैक्स वन रीति कर दे कि भाई आपको इतना टैक्स देना है, जिससे कि आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डिपार्टमेंट नहीं आएगा। एक फिक्स कर दीजिए, ये प्रोडक्ट जो सेल होगा उस प्रोडक्ट पे आपको वन टाइम देना है, आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी है। तो आप बताइए फिर काम क्या, हम सरकार को क्या, पूरे देश को, जो व्यापारी है वो एक रीढ़ की हड्डी है, मात्र 7% लोग हैं जो टैक्स देते हैं, बाकी तो सब ये नौकरी पैसे वाले हैं, उससे फोर्स भी चलती है, उससे जितने भी जो भी ये चल रहा है वो सब उसी के कारण चलता है। अब 7% लोगों के ऊपर ही आप बार 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 चूड़ी टाइट करते जाएंगे तो व्यापारी क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं से इसको छोड़कर दूसरी जगह जाएगा ना। तो इसलिए व्यापारियों को हम मांग करते हैं अपने व्यापारियों की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों की तरफ से, कि भाई आप टैक्स के अंदर वन एक टैक्स कर दें और बहुत सारे टैक्स ना करें, जैसे 23 प्रकार के जो टैक्स चल रहे हैं उनकी जगह एक टैक्स किया जाए। वादों की छड़ी लगा रही है बस सरकार, वादों की छड़ी लगाती है, चुनावों के टाइम पर आकर चूना लगा के चली जाती है व्यापारियों को, और बेवकूफ बन जाते हैं व्यापारी। हाँ, बस जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, इसलिए हर आदमी परेशान है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आज 2024 में 2017-18 के हजारों नोटिसेज आते हैं, जबकि आजकल सारे फेसलेस सारे प्रोग्राम्स हो गए, इसके बावजूद वो अपना घर नहीं संभाल करके व्यापारियों को परेशान करते हैं। तो यही है कि अब जब भी कोई नई सरकार बने तो जो अपने कहते हैं वो करें। ये चुनाव के वक्त आते हैं, जब इन्हें चंदा चाहिए होता है तब आपके पास आते हैं, और इसके बाद कितनी आपकी बात सुन रहे हैं मुझे बताइए। देखिए, चंदे के लिए आम लोगों के पास ये नहीं आते हैं, बड़े लोगों के पास ही जाते हैं, कि वो बड़ा चंदा वहीं मिलता है, हम कितना दे देंगे इनको, इनसे इनका पेट नहीं भरता है। लेकिन गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो 56 प्रकार के टैक्स है जो इन्होंने बताए हैं, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम 57-58-60% गवर्नमेंट को वापस, हम 100 रुपया कमाएंगे तो 60 रुपया हम गवर्नमेंट को दे देते हैं, 40 रुपया बचा, 40 में हमें स्टाफ को भी देना है, सबको देना है, और रिप्लेसमेंट भी आती है, टूट फूट भी आती है, सब हमारे गले पड़ती है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक ही तरह का, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, एक ही तरह का टैक्स कर दे, चाहे 24 कर दो, 25 कर दो, 30% कर दो, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हाउस टैक्स, सब बंद कर दिया जाए, आप कौन सेंट्रल गवर्नमेंट सबको दे जिनको देना है। सर, राहत कहाँ है जब इतनी समस्याएं हैं? तो महेंद्र अग्रवाल प्रधान जी की बात पर सहमत हूँ, ठीक है ना, मैं भी लैपटॉप लेने आया था इनसे, इन्होंने बताया कि ऐसे बात है, हैरान के खड़े हो गए, मैं इनकी बात पर सहमत। राहत कहाँ है? कहीं नहीं है राहत, कहीं भी राहत नहीं है, जहाँ भी देखिए बस कहीं व्यापारियों को हमेशा के लिए परेशान करने की इनकी प्रक्रिया है, और तरह तरह के टैक्स लाते जा रहे हैं, और टैक्स के टाइम में ये लोग हमेशा ये इंतज़ार करते हैं कि भाई चलो टैक्स मिल गया तो हमें कुछ करना नहीं है, और वादे करते रहते हैं, समय आने पर फिर उससे मुकर जाते हैं, और केवल इनको वोट की राजनीति करनी है, किसी व्यापारी की, चाहे किसी छात्रों की, चाहे किसी शिक्षा की, कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, केवल इन लोग को पैसा बनाना है,
अभी यही SBI वाला जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला कांड चल रहा है उसमें सारा पैसे का ही खेल हुआ है। हाँ, हिसाब देना पड़ेगा कि किसने कितना चंदा दिया है। हाँ, नहीं मिल रहा है चंदा। और BJP ने ये बात बोली थी कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि ये जो चंदे का पैसा आया है ये कहाँ से आया है और किसने दिया है। क्या जनता का अधिकार नहीं है, व्यापारियों का अधिकार नहीं है कि अगर आपने चंदे के पैसे दिए हैं किसी एक पार्टी के लिए तो आपका नाम आए सामने उभर के? बिल्कुल नाम आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। जो हमारा RTI कानून है उस कानून के मद्देनजर सबको ये जानने का हक है कि किसने किसको कितना पैसा दिया है और उस पैसे का यूज कहाँ हो रहा है और जिन लोगों ने दिया वो किस क्राइटेरिया के तहत दिया है। तो इसमें टोटल मतलब घोटालेबाजी है कहीं ना कहीं, और उस खर्चे को वो कहीं ना कहीं आ करके व्यापारियों पर लादा जा रहा है और ये इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक इसकी कोई मतलब इसका कोई उपाय ढंग कर ना किया जाए। देखिए, आम पब्लिक भी यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, आम पब्लिक से भी हम बातचीत करते हैं। इधर आइए सर। देखिए, व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताई कि चुनावों के टाइम पर आते हैं चंदा लेने और वोटों की राजनीति करते हैं, जैसा कि अभी सर ने बोला कि वोटों की राजनीति करते हैं। आम जनता क्या चाहती है सरकार से, ये बताइए। मोदी जी ने जो 2019 या 2014 में कब बोला था मुझे उनकी जय अमित शाह ने, जो 15-15 जब काला धन आएगी तो 15-15 लाख रुपया दिए जाएंगे, हमने ये बात नहीं जानते हैं। आज तक 15 रुपया नहीं आए किसी के जनधन खाते में। कितने साल हो गए मोदी जी को, 10 साल होने जा रहा है ये 25 मई को। दूसरी बात, युवाओं को भविष्य खराब हो गया बिल्कुल। छात्रों को जो वही 10 लाख 8 लाख कम वो पढ़ा लिखा रहे हैं उनके भविष्य बिल्कुल चौपट हो गया। बेरोजगारी बेशुमार। दूसरी बात, हमारे को दबाया जा रहा है गरीबों आदमी को पूरी तरह से, ताकि हम कमाई है ही नहीं ना, ऊपर उठ सकते हैं नीचे बिल्कुल गिर सकते हैं। बात समझ रहे नू, कोई रोटी खा के केवल नमक रोटी खा के जी सकते हैं, न तो मर जाए। यही वो क्यों हो रहे हैं है? वो क्यों हो रहे हैं भाव हो रहे हैं जो हमारी कमाई नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से, लेबर है तो लेबर ही बनता डाला जा रहा है। क्या करते हैं हम तो एक यहाँ गुप्ता स्टेशनरी में काम करते हैं, बस लेबर है, लेबर दबता चला जा रहा है, अमीर बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर ही उठता चला जा रहा है। ये पूछ लीजिए जनता से, गरीब गरीबी होता चला जा रहा है, अमीर उठता ही चला जा रहा है। आज सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, रेलवे 80% प्राइवेट हो गया, सब प्राइवेट में दिए जा रहे हैं, कहाँ जाएगा लोग, क्या करेगा? अब की बार लोकसभा चुनाव है 24 में, मोदी जी आएंगे, विकल्प नहीं है, कोई भी अपोजिट पार्टी में लीडर है ही नहीं, मेन तो ये है लीडर है ही नहीं, कोई लीडर नहीं है, इसीलिए आना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल मजबूरी है जनता की, पूरी है जनता की मजबूरी है मोदी जी को। तो क्या मतलब जनता को काम पसंद नहीं है, जनता को काम पसंद नहीं है मोदी जी को? पसंद हो ना, मजबूरी है मोदी जी का, इनके आगे कोई लीडर है ही नहीं, ये सब छोटे स्टेट लेवल का जो पार्टी है इनके पास के है नहीं। राहुल गांधी जी ना आकाश में वो सोने से आलू उगाएंगे वो है नहीं पंचवल की। तो ये बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? मैडम मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता, बस मोदी जी के बारे में यही कहते हैं कि भाई मोदी जी आएंगे और 2024 में भी मोदी जी आएंगे, इनका कोई विकल्प ही नहीं है। आने वाले टाइम में मोदी जी के लिए जो लोगों ने सोचा था वो चीज़ सारी हो रही है, सारी चीज़ें पूरी कर दी उन्होंने। और रही बात अमीरी गरीबी की और ये महंगाई की बेरोजगारी की, ये तो लाइफ टाइम चलती रहेगी, आप इसको कुछ नकार नहीं सकते। और वीडियो बना क्या किया मोदी जी ने, क्या किया मोदी जी ने, क्या नहीं किया बता दो। सबसे पहला तो सबसे मेन पॉइंट था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ही ध्वस्त कर दिया, जो कहते हो पूरे UPA गवर्नमेंट में पाकिस्तान पाकिस्तान हाया, और पाकिस्तान की तो ऐसी कर दी मोदी ने। ये सबसे बड़ा मेन काम किया है, जो कभी सोचते थे ये कर देगा वो कर देगा, सबसे फर्स्ट जो प्रेफरेंस आती है चाय वाला प्रधानमंत्री बन के बैठा है और पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। बिल्कुल 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 यही मैं कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा मोटिवेशन वाली बात है जो उन्होंने जो कहा है वो किया है। पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या हिंदुस्तान में सबको रोटी कहाँ से मिलेगी? जनता को रोटी मिल रही है, थोड़ी ना आ रही, कोई भूखा नहीं मर रहा है। सब कहने की बात है बेरोजगारी बेरोजगारी, काम कर लो यार, बेरोजगारी अपना भी खत्म हो जाएगी, हम भी तो 10 रुपए कमा रहे हैं। युवा कौन है बेरोजगार युवा, यहाँ पर जरा आगे आइए, इधर आइए। कह रहे हैं कि बेरोजगारी कहने वाली बात है नहीं। आप मैं देखो यहाँ पर टेम्पर लगाता हूँ, है यहाँ पर अब मजबूरी में टेम्पर लगाने पड़ रही है। हालांकि सुनो एक सेकंड मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात यह है अगर
खैर कोई नौकरी होती जरूर जरूर करता मैं। अब यहाँ पर ये मेरी नज़रों में मेरा काम ना बहुत बेइज्जती वाला है जगह। हाँ भैया टेम्पर लगाना, हाँ भैया टेम्पर लगाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जैसे इन सर ने बोला कि इनसे लूट, मतलब इनसे लिया जा रहा है टैक्स लगा लगा के, और ये ना पैसा कहाँ जा रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। बस ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बंदों को कमाने का जरिया ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान डायरेक्ट पाकिस्तान पर मुद्दा बना रखा और हिंदू मुस्लिम पर मुद्दा बना रखा, इसके अलावा और इंसान को कुछ सोचता ही नहीं है। और दूसरी बात टॉपिक, खैर जो भी करा है सब कुछ कांग्रेस का ही करा हुआ है। मोदी जी क्या उसका नाम है कांग्रेस के स्कूल में नहीं पढ़े? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, पढ़े ना चाय घोटाले में माल लिया उसका नाम क्या? सुनिए 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 घोटाले, एक मिनट एक मिनट, जो जिसने घोटाला किया वो आज बीजेपी में गया, वो वॉशिंग मशीन हो गया है, यही आप कहना चाहते हैं? ऐसा कैसे नहीं है, सबका नाम बताऊं क्या? आपने सर सुना अभी तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, व्यापार एसोसिएशन के लोग हो गए, आम जनता हो गए, क्या कहना चाहेंगे उसमें? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उसने बहुत सारे ऐसे जो उलझे हुए मुद्दे थे, जैसे धारा 370 थी वो उन्होंने ख़त्म की, मंदिर का जो मुद्दा था, जो हर चुनाव में मंदिर का मुद्दा आता था वो भी समाप्त हो गया, और आसाम का जो मुद्दा था वो भी समाप्त हो गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से देश के अंदर काफी कुछ बदलाव आए हैं और बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े थे वो धीरे धीरे खत्म होंगे। धन्यवाद। तो हम लोग दिल्ली की नेहरू प्लेस मार्केट में मौजूद थे जहां पर हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के लोग थे और यहां पर जनता भी हमसे जुड़ी और बताने की कोशिश की कि आखिर चुनाव के वक्त पर लोग कैसे आते हैं उनसे चंदा लेने। जनता ने भी अपनी समस्याएं बताई, तकलीफें बताई कि किस सरकार ने उनके लिए क्या काम करा है, क्या नहीं काम करा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।